विभाग की मनमानी के चलते ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मुर्दाबाद के लगाए नारे। नहर विभाग द्वारा हर वर्ष लाखों रुपए की धनराशि रजवा माइनर नाला की साफ सफाई खुदाई के नाम से निकाले जा रहे हैं, जिससे किसानों के खेतों में पानी पहुंचने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में लोअर गंगा नहर का चौड़ीकरण होने के बाद नौनेर माइनर रजवा में पाइप न डालने और नौनेर माइनर की खुदाई न करने के आरोप में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए नहर विभाग के मुर्दाबाद के नारे लगाए। गांव त्रिलोकपुर, नई बस्ती, नौनेर, जिनपुर, असरगढ़ी, मरहला, गोपालपुर, सिरौलिया, आंध्र आदि गांव के किसानों को नौनेर माइनर से किसानों की सिंचाई करते हैं, लेकिन नहर विभाग की लापरवाही के चलते नहर विभाग द्वारा लोअर गंगा नहर का चौड़ीकरण होने के बाद ना तो माइनर में पाइप डाले गए, ना ही खुदाई का संतोषजनक की गई, जिससे माइनर में पानी का बहाव होता और किसानों के धान की रोपाई हो पाती। वहीं किसानों का आरोप है कि हर वर्ष रजवा नाला माइनर खुदाई के नाम पर विभाग द्वारा लाखों रुपए खानापूर्ति कर विभाग डकार गया। वहीं विभाग माइनर में पाइप ढोल डलवाने के लिए चंदा करवाने की कह रहा है। ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर नौनेर माइनर पर खड़े होकर के प्रदर्शन करते हुए विभाग के अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी अवर अभियंता के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप चौहान है। किस कारण आप प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ पे? हमें जो है नहर से जो है नहर फुल चढ़ी है, लेकिन हमें उससे पानी नहीं मिल रहा है। नहर की पटरी बनने से जो हमारे पहले पाइप पड़े हुए थे वो सब दब गए हैं। हम चाह रहे हैं कि जैसी पहले व्यवस्था थी वही व्यवस्था हमारी हो जाए। ये कौन सा माइनर है आपका? नौनेर माइनर। आप लोग कहाँ के बासिंदे हैं? त्रिलोकपुर के। तो कितने गांव आते हैं जो इस माइनर और रजवा से गुजरते हैं? त्रिलोकपुर, जिंदपुर, पोखरा, नई बस्ती, नौनेर, नौनेर, असरगढ़ी, मराला, कई गांव आते हैं। सिरौलिया, खर्रा तक पानी जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवीश चौहान है। किस कारण आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम सभी किसान जो है पानी की वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ का जेई, यहाँ का यही एक्सचेंज जो है कतई बात नहीं सुने। मैं रवि की फसल से इनका जो है कह रहा हूँ कि हमारी किसी तरह व्यवस्था करो। ये कहते हैं चंदा करके पाइप डलवाइए आप। हम कहाँ से चंदा करें? किसान जो है कोरोना की वजह से ऐसे मरा जा रहा है। इसमें जो पानी दिखाई दे रहा है, ये बरसात का पानी है, एक बूंद पानी नहीं आया। कहाँ से चंदा इकट्ठा करें? चंदा करके कुछ दे दिया, वो पाइप ऊपर डलवा दी इन लोगों ने। और हमारे ये मांग है कि यहाँ दाना खुलवाया जाए और यहाँ पर जो पाइप है इस जगह पे डलवाए जाए। ये जो बाग पड़ता है यहाँ पे हमारा सीधा पानी निकलता था, अब ये रोज बहाना बना रहे हैं। अब कहाँ तक हम क्या करें? हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, यहाँ नहीं लखनऊ तक जाएंगे, योगी तक। ये जो है भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी, इनको हटाया जाए। ऐसे कर्मचारी अधिकारी लाएं जो किसानों की सुने। आप लोगों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी? मैंने डीएम साहब को शिकायत की और कई बार जो एई किरमानी है, जेई शिवप्रताप है और जो हमारे एक्सीन महोदय गोपाल जी हैं, उनसे भी कहा। डीएम साहब ने हमें नंबर दिया उनका कि उनसे बात करिए, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। रोज कहते कल आएंगे, परसों आएंगे, इसी तरह टाइम टालते रहते हैं। अब हम लोग किसान क्या करें? कुछ किसान तो जो है लटकने के तैयार है, आत्महत्या करने के तैयार है। इतनी महंगी जो है पौध डाली है, अब वो सब बर्बाद हुई जा रही है। अब क्या करें? आप लोग जो है इसका कोई निराकरण करवाए, नहीं करवाए तो सभी जो है इतना तप करने को तैयार है कि अपनी जान दे देंगे। नहर विभाग द्वारा रजवा या इस माइनर की साफ सफाई कराई गई? नहीं, कोई सफाई नहीं कराई गई। ये जो है कागजों में कराई गई सफाई, यहाँ कोई सफाई नहीं कराई गई। इसका पैसा निकाल लिया इन लोगों ने, लेकिन कोई सफाई नहीं हुई है। जय साहब, आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है नहर में जो है नौनेर माइनर में पाइप पड़ने के लिए, और कुछ नौनेर माइनर की बता रहे ग्रामीण साफ सफाई नहीं हुई है, खुदाई के नाम पे पैसा निकाल लिया गया। इसमें आपका क्या कहना है? खुदाई हुई है और इस समय तो जो है 6 महीना से ज्यादा समय हो गया है, घास जम गई है और हमारा नहर पे काम हुआ है उससे थोड़ा मिट्टी मिट्टी गिरी हुई है। खुदाई तो हर साल होती है, इस साल नहीं। जो नॉनर माइनर है जी साहब, वो नहर के को छू नहीं रहा है तो मिट्टी गिरने का उसमें सवाल ही नहीं होता है। छू रहा है, कई दूर भी है, काफी पैरल भी है, 5 किलोमीटर पैरल भी चलते हैं। इधर ही पैरल चल रही, उधर ही चल रही, बीच में थोड़ा हट गई। बीच में भी हटके जहाँ है वहाँ तमाम सिल्ट भरी हुई है उसके अंदर, तो वहाँ मिट्टी अगर सफाई हुई तो सिल्ट कैसे वहाँ जमा है? ग्रामीणों का आरोप है कि आपने पैसा निकाल लिया है और साफ सफाई नहीं डाला गया। जो ठेकेदारी पद्धति से होता है, जो की टेंडरिंग है उसी के काम होता है, उसमें किसी तरीके का कोई। अच्छा, पाइप की समस्या का हल क्या है? क्या ग्रामीण चंदा करके पाइप डलवाए? विभाग कोशिश कर रहा है और विभाग ने जो काफी जगह लगवा भी दिया है, बाकी की व्यवस्था की जा रही है।
की जाएगी समस्या हल की।